بسم الله الرحمن الرحيم ਕਿਹੜੀਆਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਫਰਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ गनीमत और आज के जो नेक लोगों नमाजियों कुरान की तिलावत करने वाले मां बाप की फर्मा बरदारी करने वाले रब के घर की रौनक दुबाला करने वाले और अजाना सुन के रब के घर की हाजरी देने वाले अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के मुबारक हत्थों को हौज़े कौसर का जाम नसीब कर अज उस जाम के मुतलक और उस हौज के मुतलक और उस नहर के मुतलक गुफ्तगू होगी अल्लाह ताला सानू तौफीक बख्शे के सोने नबी ने मुबारक थान जो असी हौज़े कौसर का प्याला पीए एक नहर है जिदा नाम है नहर कौसर एक हौज है जिदा नाम है हौज़े कौसर दोनों चीजा एक ही शहर का नाम है जेड़ी जन्नत विचों साफ पानी की नहर गुजर के मैदान माशे विच आएगी जन्नत विच ओदा नाम नहर कौसर है और मैदान माशे विच ओदा नाम हौज़े कौसर है नहर एक ही है नाम दो ने वो ही नहर है मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अक्वैनाकल कौसर मेरे सोने नबिया मेरे प्यारे नबिया बड़िया दुनिया दिया गल्लां सुननियां बड़िया तकलीफां बर्दाश्त करनियां बड़िया गल्लां सुननियां बड़ी लोग गुस्ताखी करन वाले ने गुस्ताखियां कीतियां बड़िया जमैशां विचों गुजरे हो पर मेरे सोनिया घबराना शुक्र अदा करो हक बंदियां नियमत का शुक्रिया अदा करो ते शुक्रिया अदा किवें होएगा फसल रब्बी का वंहर मेरे सुने हक बनता है अल्लाह की नमाज पढ़ो ते कुर्बानी करो जिमें अल्लाह ने दुनिया में तो दुश्मन को बेनामो निशान कर छड़िया है बर्बाद ते हिलाक कर छड़िया है एवें सोनिया हुण भी तुहाडे रब दा ऐलान है इन शानिया का हुआ अबतर हर
परेशान हो जाए। फसल भी दे रबी का बनता है, नमाज पढ़ो ते कुर्बानी। नमाज ये अल्लाह का शुक्र है, नमाज बतौरे शुक्र है। और नमाज इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है। एक बंदा कहता है मेरा अल्लाह दे ईमान है, मेरा ओदे नबी दे ईमान है। एक बंदा कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक बंदा कहता है मेरा अल्लाह दे ईमान है, ओदे नबी दे ईमान है, कलमे शहादत पढ़ता है, ओदे कलमे शहादत दी ओदो तक तस्दीक नहीं होएगी, ओदी नमाज़ी ओदे तौहीद दी तस्दीक नहीं होएगी, ओदे मुसलमान होने दी तस्दीक नहीं होएगी, ओदे इस्लाम कबूल करने दी तस्दीक नहीं होएगी। जब तक फसल रबी का वनहर अपने रब की नमाज का जज्बा पैदा ना करे, नमाज ना पढ़े ते कुर्बानी का जज्बा ना पैदा करे। लख कही जावे मैं मुसलमान कलमा पढ़ी जावे, फरमाया ओदे कलमे दा एतबार नहीं, ओदों दे कलमे नूं कबूल कीता जाएगा जदों आवाज है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जदों आवाज आवे अज़ान दी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ते सब कुछ छड़ के इस कलमे दी शहादत दी तस्दीक वास्ते रब दे कर हाजरी दे देवे, ओदी तौहीद भी कबूल है ते ओदी रिसालत ईमान भी कबूल। अल्लाह और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अल्लाह ने मेरे ते बड़ी मेहरबानी की है, मेरे अल्लाह ने मेरे ते बड़ा करम किया है, मौजदे ते बड़े बड़े अता किए, नेमतां ते बड़िया बड़िया दित्तियां ने, पर सब तो बड़ा करम मेरे अल्लाह ने किया है कि अल्लाह ने मैनू हौज़े कौसर का मालिक बना दिया। हौज़े कौसर का मालिक बंदा और हौज़े कौसर जिवे हदीस चांद है मेराज की रात अल्लाह ने शहर बनाया आसमान ते लै गए, पहला आसमान दूजा आसमान तीजा आसमान चौथा आसमान पंजवा आसमान आसमान ते लै गए। सुभान अल्लाह जी असरा ते अब्दी लैलम मिनल मस्जिद हराम मिनल मस्जिद अक्सा अल्लाह जी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। जिस अल्लाह ने मेराज दा शर्फ बख्शिया, जिस अल्लाह ने तौफीक बख्शी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज दा शर्फ बख्शिया, उसे अल्लाह ने वसीउ अरीज एक बड़ी प्यारी मेरे नबी ने नहर देखी जिदे आस पास हीरे ते मोतियां नाल जड़े हुए सोने चांदी दे प्याले गलास ते कटोरे ने, ते ओ नहर दे किनारे चमकदे पए ने हीरे ते मोतियां दे नाल। अल्लाह अल्लाह मैं पूछया ये क्या चीज है, ते कहन लगे जी ओ नहर है जिदा नाम कौसर है, जिड़ी नहर अल्लाह ने मुहम्मद मुस्तफा नु अता कीती है। ये नहर हौज़े कौसर हौज़े कौसर है अल्लाह जिदा पानी दूध नालों ज्यादा सफेद ते बर्फ नालों ज्यादा ठंडा ते शहद नालों ज्यादा मिठा, ते जदों पीने आ विचों मुशक दी खुशबू आ रही
रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सिर्फ जन्नत विचो निकल के एक नहर जन्नत चो निकलती है हौज बन जाता है ये हौज से मैं होऊंगा ते मेरी उम्मत आएगी खुश नसीब आएंगे मेरी उम्मत के लोग आएंगे मेरे हाथों कौशल का जाम पीएंगे प्याला पीएंगे और जरा एक बारी मेरे हाथों प्याला पी लेगा वो जितनी देर भी मैदान माशर में चलेगा वो दोबारा प्यास नहीं लगेगा सुभान अल्लाह जरा मेरे हाथों पानी पी ले ये अल्लाह नसीब फरमाएगा अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों बयान कीता बेमिसाल हौज एक बड़ा प्यारा हौज अचानक सोने नबी नूं ऊंग आई ते जदों आपने ऊंग मारी भी आई खत्म हो गई जदों चेहरा उठाया इंज ऊपर कीता सहाबा दसदे ने अल्लाह दे नबी दा चेहरा खुशी नाल टिमटिमा रिहा सी बड़ा ही खुश है आपका चेहरा देख के असा क्या अल्लाह दे सोने नबी अज़ाक अल्लाह अल्लाह तुहानू होर आसावे अल्लाह तुहानू होर खुशियां नसीब फरमाए अल्लाह दे सोने नबी अल्लाह सानू भी दसो हसे क्यों मुस्कराए क्यों खुशी कहड़ी होगी अल्लाह दे नबी फरमाते ने तदरूना मल कौसर मैं तुहानू पूछना दसो तुहानू पता है कौसर की है असा कहने जी अल्लाह हुवा रसूल तुहान अल्लाह दे अल्लाह दे नबी जानते ने हौजे कौसर की है फइन्ना गुनारुन वादा नबिया दू ए ओ नहर जन्नत विच आण वाली जिदा अल्लाह ने अपने नबी नाल वादा फरमाया ए ओ नहर जेड़ी अल्लाह ने मेनू अता फरमाई है हौजी मसीरा तो शायद एक महीना बंदा पैदल चलता रहे पैदल चलता रहे एडी लंबी चौड़ी नहर है एक महीना चलन दे नाल भी ओदी मुसाफा खत्म नहीं होंदी एडी वड्डी नहर है अल्लाह मुस्लिम शरीफ दे और एक रवायत दे अंदर मेरे नबी ने इंज मिसाल दित्ती है कि एक महीना तेज रफ्तार घोड़ा एक महीना तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता चला जाए दौड़ता चला जाए वो थक जाएगा पर एक जरा अल्लाह ने मेनु हौज दिता है जड़ी नहर दिती है एदी मुसाफा खत्म नहीं होए अल्लाह और फरमाया एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमांदे ने जिवें मक्के तो रह के सना दा इलाका है जरा मक्के तो रह के सना दा इलाका या जिवें मक्के तो रह के यमन दा इलाका इना लम्मा चौड़ा जिवें इलाका है इनी लम्मी चौड़ी ओ नहर है जिहड़ी अल्लाह नसीब करे सुभान अल्लाह सुभान क्या बात है उस नहर की क्या बात है हौजे कौसर इन्ना आपैना कल कौसर सुनया सा तुम कौसर अता की है नहर कौसर अता की है हौजे कौसर अता किया है और बुखारी के अंदर दोनों जगह दोनों की मुसाफत हौज की भी और नहर की भी मक्के तो लेके शना तक लंबी चौड़ी भी इतनी बड़ी नहर है नहर है कौसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सना का भी बयान फरमाया और यमन का भी आपने इशारा फरमाया फरमाया इतनी मुसाफत मुसाफत विच है हौज ए कौसर है और फिर चारों तरफ मोती है डबलिंग जरा काम कर दो भाई शहजाद भाई डबलिंग काम कर दो और फरमाया कली नहर ही नहीं हौज ही नहीं रब्बुल आलमीन ने चारों तरफ मोती ते हीरे जड़ दिते ने हर वक्त रोशनी हर वक्त चमक हर वक्त खुशबुआ मुश्कियां खुशबुआ आ रही ने अल्लाह अल्लाह इना कदरा हौजी कमा बहीना इला वसना ए
और फरमाया रब्बुल आलमीन ने जड़ी मैनू नेमत अता की है मेरे ते फजल व करम फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा इस लहर ने मोती जड़े हो हीरे जड़े हो सोने चांदी के जान जड़े हो पीन वाले आएंगे अल्लाह अल्लाह सहाबा अर्ज करते ने अल्लाह दे नबी कौन पीन वाले आएंगे फरमाया मेरी उम्मत दे लोग आएंगे एक रात के अंदर अल्लाह दे रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत दे नमाजी हजरात आएंगे जिन्हें नमाजा पढ़िया ने जिन्हें फजर पढ़ी है जोर पढ़ी है असर पढ़ी है आएंगे अल्लाह दे नबी उन्होंने किने पहचानोगे तुहाडे उम्मती ने उत्थे तां बड़ी दुनिया होएगी मैदान माशर दे अंदर फरमाया जिहड़े मेरी उम्मती होणगे जिन्हां नूं मेरे हत्थों होवे कौसर नसीब होएगा फरमाया उन्हां दे वुज़ू वाले निशानात उस दिन चमकदे होणगे जिथे जिथे वुज़ू दा पानी लगा जिथे जिथे वुज़ू दा पानी लगा वो आज़ाद चमकते होणगे ते जदो चमकते होणगे ते मैं समझ जावांगा ये मेरी उम्मत दे लोग ने ये निशानी है मेरे दोस्तों निशानी पैदा कर निशानी पैदा कर नमाज पढ़ोगे वुज़ू करोगे ते नमाज पढ़ोगे बगैर वुज़ू दे नमाज नहीं और वुज़ू कीता जाता है नमाज पहले वुज़ू करोगे फिर नमाज पढ़ोगे फरमाया वुज़ू करने वाली जगह चमक दिया होंगियां उठे ना शोर होएगा ना तो गर्द गुबार ना कोई हो चीज इतना अमन इतना सुकून होएगा हर बंदे को सुकून होएगा और हर बंदा मेरे नबी ने हथों कौसर दर जान पिएगा अल्लाह बल्कि एक रवायत के अंदर फरमाया हर नबी को अल्लाह हौज देगा पर उन्हें सब तो बड़ा हौज अल्लाह मेनू अता करेगा मेरे हौज से रश होएगा मेरे हौज से इतनी दुनिया होएगी अल्लाह ये बरतरी है ये मेरे नबी की शान है मेरे नबी की अजमत है अल्लाह अल्लाह नस नस पीवन आवन तरफ कलाम दे नस नस पीवन आवन तरफ तलाम दे अदबो जा हाजिर होसन तरफ जलाम दे बार बार बिना में साकी जाम शराब दे पींदियां पींदियां रौनक चेहरे ते आईयां ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नूं आईयां पींदियां सारी रौनक ऐं चेहरे चमकदे जिवें चौदवी रात दा चन ए रौनक कौसर दा जाम पीण दी वजह नाल ए औजे कौसर पीन की वजह नारे मेरे नबी दे हत्थों प्याला पीन की वजह नारे अल्लाह और कोई नहीं वारू बनदा जिंद नुमानी दा मैदाने माशर दे अंदर ना कोई साया ना कोई पानी ना कोई वारू ना कोई रिश्तेदारी ना कोई बेली सजन अल अकिल्ला यौमैदिन बाज़ुकुम लिबाज़िन अदूउन इल्लल मुत्तकीन तमाम रिश्तेदारियां खत्म हो जानगियां ये ओही जगह यौमैफिरुल मर्अ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी लिकुल इमरीन मिनहुम यौमैदिन शानुन युग्नी नंगा बदन होएगा सारी दुनिया परेशानी दे विच ए सोचेगी कि मेरे दे मुकदमा ना बन जाए भाई तो दौड़ेगा बीवी तो दौड़ेगा बच्चियां तो दौड़ेगा बच्चे बाप तो दौड़नगे मैनू वेख के कोई मुकदमा ना कर दे कोई केस ना कर दे मेरे ते कोई दफा ना लग जाए मैं इन्हां दी वजह नाल काबू ना आ जावां शिकंजे च ना फस जावां इंज डरदे होणगे
امیشر جی اللہ کو تعالیٰ نے جب پوچھا حضرت جی ننگے بدن فرما ہاں حضرت جی پھر بڑی بے شرمی کی بات ہے میرے نبی نے فرما کہ قرآن پاک کی آیت پر کے سنا دی تھی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی ہر بندہ اتنے پریشان ہوئے گا انہیں کسی ویل دیکھنا ہی نہیں انہوں اپنی پئی ہوئے گی اپنی پریشانی ہوئے گی اللہ اللہ اپنی پریشانی دے اندر پریشان ہوئے گا کوئی نہیں والو بندا جندن مانی دا لگیے پیاس کٹ ملدا نہیں پانی دا تے سامنے ایک حوض دسے نبی حقانی دا پر پتا نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آ اے چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی اور قیمت کیا ہے کوئی قیمت نہیں نماز قربانی روزہ حج زکات اللہ دی توحید اللہ دے دربار کی حاضری نماز دی ادائیگی اللہ اللہ رحم محجبین حدیث بیچاند ہے پر میں جڑے میرے امتیوں کے ساری امتہ بچوں میرے امتیاں دا کاسہ ہوئے گا کہ اونا دے بزوالے نشانات چمک دے ہونگے دے میں سمجھا مگا اے امت محمدی ہے اللہ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا اللہ میرے پائیاں تے رحم فرما صحابہ کہنے ہیں اللہ رسول اسی نہیں تواڈے پائی اسی تواڈے پائیاں تواڈے تے جانا قربان کرن والے تواڈی محبت لئی وطن چھڈن والے حویلیاں چھڈن والے بغاد چھڈن والے رشتہ داریاں چھڈن والے علاقے چھڈن والے اور تمام چیزاں چھڈ کے تے محمد مصطفیٰ دی محبت نو قبول کرنا تے تسی آکھیا ہے کہ میرے بھائی نے مینوں ملے میرے بھائیاں تے اللہ جنہ بدر او خندق نہیں ویکھیا جنہ نے مینوں نماز پڑھدیا نہیں ویکھیا او میرے بعد آن گے پر میری سنت نال تمن جان گے اصل میرے او بھائی نے سبحان اللہ اے امتی فرمایا میرے بھائی نے اصل میرے بھائی اللہ اکبر کبیر ایسی جگہ تے اللہ حوض کوثر صاحب جا نصیب کرے گا جتھے پانی نہیں ملے گا بیا ہزار سال دا ایک دن ہوئے گا تے کئیاں نے ایک بندیاں نو اللہ دے پیارے میرے سوئے نبی نے فرمایا میری امت دے سات خوش نصیب ایسے ہونگے یو جن لوگوں اللہ کو فی زندگی انہوں نے کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا تے اللہ عرش دا سایہ نصیب کرے گا وہ بھی میرے امتی ہو میرے امتی ہو اللہ خوشبودار مٹھا پیارا پانی میرے ہاتھوں پینے پانی اور فرمایا ایک جماعت آئے گی میرے حوض سے چہرے نورانی چمک دمک شکلاں مومنہ ورگیاں بڑی سونی شکل میرے حوض سے آن کے پیاس بڑی نگی ہوئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میرے حوض سے آن کے میں چاریا ہوں گا میرا ارادہ ہوئے گا میں نہ پانی پلاواں میں نہ کے پیالے کراں میں نہ کے گلاس کراں لیکن درمیان فرشتیاں دی دیوار بن جائے گی اللہ محفوظ فرشتیاں دی دیوار ہاں جی چہرے نورانی نے میرے امتی نے میں تیار کھڑا میرے ہاتھوں پانی پی لین حوض کوثر دا یہ اللہ نے میرے نعمت دیتی حوض کوثر دی تے آواز آئے گی فَاقُولُ اِنَّهُمْ مِنِّي میں آکھاں گا اے میرے نے تے
ਅਗੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਕਲਾ ਤਦਰੀਮਾ ਆਦਰ ਸੁਭਾ ਦਕਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ अल्लाह ने नबी फरमान के दफा हो जाओ ओए दफा हो जाओ जिन्होंने मेरे दीन नु बगार छड्या बेटा बड़ा जुर्म अल्लाह एक बंदा दा जी दीन समझण दा सौखा तरीका की है और मेरे भाई बड़ा ही सौखा तरीका है वो की तरीका है सारे औलिया अल्लाह दी इज्जत कर इमाम दी इज्जत कर मुहद्दिसीन दी इज्जत कर औलिया अल्लाह दी इज्जत कर अकिया दी इज्जत कर अकिया दी इज्जत कर पर जिते दीन दी गल होवे उथे रब दी मन ते रब दे नबी दी मन सही हदीस नु तलाश करन दी कोशिश कर अल्लाह वरना हो जे कौसर तो मालूम हो जाएगा अल्लाह अकबर शायर ने नक्शा खींचा है आया एक टोला चेरे चंद नूरानी ने आया एक टोला चेरे चंद नूरानी ने मोमन वाली पाई पूरी निशानी ने पानी पिलावन चाया नबी हकानी ने कुदरत थी राह विच कुदरत थी राह विच कंध बनाईया ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नु आईया सुभान अल्लाह ए नहीं उम्मत तेरी फरिश्तियां वल्लों भी ऐलान होएगा रब वल्लों भी ऐलान होएगा ए नहीं उम्मत तेरी नबी प्यारिया बाग रसूला तेरा इना उजाड़िया ते नवियां नवियां रस्मां कट दीन वगाड़िया नवियां नवियां रस्मां कट दीन वगाड़िया दीन विच शागाए ना ए बिदत बनाईया पता लगा मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होए ने जब मस्जिद नबी के दरवाजे च दाखिल होए अगे की वेखते पे ने एक बंदा आंदा पे पढ़ो इतनी बारी ला इलाहा इल्लल्लाह कठे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह फिर पढ़ो सुभान फिर पढ़ो अलहमद फिर पढ़ो अल्लाह जिवे साडे गिटका पढ़न लग पैंदे ने या होर कुछ है पढ़न लग पैंदे ओ सारे मिल के अल्लाह दा जिक्र कर मिल के वारी वारी आवाज कट दे ते ओ पढ़न लग ते हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला ने ਇੰਜ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਮੁਹੱਦਸ ਅਜ਼ੀਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਔਰ ਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਹਾਬੀ ਇਹੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲਮ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਮਿਸਵਾਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ते जिसम दुबला पतला है ते एंक पतलियां पतलियां लगता ते सहाबा हसन
असर लग पे। रसूलुल्लाह समझ गए, फरमाया तुसी अब्दुल्ला दियां लत्तां वेख के हसन लग पे हो के बड़ियां बारीक बारीक ने। मैं रब दा नबी हो के कहना इन अल्लाह दे हां ओह पहाड़ दा वजन नहीं जिन्ना अब्दुल्ला बिन मसूद दियां लत्तां दा वजन। ए वजन ए नेकियां दा वजन, नबी दी सुन्नत दा वजन, तौहीद दा वजन, इल्म दा वजन, सुन्नत दे जज्बे दा वजन, नबी दे नाल मोहब्बत करन दा वजन। फरमाया एना ओह पहाड़ वजनी नहीं जिन्ना अब्दुल्ला बिन मसूद दा जिस्म वजनी है। ए ओ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद आए मस्जिद ते दोवें हाथ खोल ले ते खोल के ते दरवाजा पकड़ लिया ते आप फरमान लगे ओए रब दा जिक्र करन वाले हो हाले ते अल्लाह दे नबी नु फौत होए नु थोड़ी देर गुजरी है, हाले ते अल्लाह दे नबी दे बर्तन भी लभ जांदे ने ते नबी दे पुराने कपड़े भी मिल जांदे ने ते हुणे नाल ही तुसी दीन विच नवां काम शुरू कर दित्ते। ए जेड़ी कसम तुसां कट्टी जिक्र दी नबी ने जिक्र कीता है, अबू बकर सिद्दीक ने कीता है, उमर फारूक ने कीता है, उस्मान जिन्नू रहम ने कीता है, अली अल मुर्तजा ने कीता है, हजरत तलहा ने कीता है, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कीता है, सहाबा इकराम अल्लाह का जिक्र करते सन। क्या नबी ने इंज जिक्र कीता जिवे तुसी करदे के जी असी तस्वीर पढ़ते पे हैं ना असी और की कीता है। फरमाया ऐने गिन गिन के और एक बंदा कह रहा है सारे रल के फिर पढ़न गए ने इवें अल्लाह के नबी ने कीता नहीं कीता। इस वास्ते मन आदा सफी अंगरीना आदा माल ईशा मिनो फाहुआ दद्दों जिन्हें ऐसा दीन दा काम बनाया जिदे ते नबी दी मोर नहीं वो अमल मर्दू दे वो अमल मर्दू दे। अल्लाह इसे तरह एक मस्जिद देखिया इमाम साहब बगैर किसी उजर दे जुमे दा खुतबा दे रहे सन ते खुतबा बैठ के कुर्सी ते बैठ के दे रहे सन कुर्सी ते बैठ के। एक बंदा बीमार है, बंदे दा जिस्म बहुत मोटापे च है, खड़ा होना मुश्किल है या कोई लत दा मसला है पैर दा मसला है मजबूरी है वो अलग बात है। सही सलामत बैठ के खुतबा दे रहे कुर्सी ते। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला फरमांदे अल्लाह जुमे की नमाज पढ़नी उतो तुर पे किसी और मस्जिद चले गए। किसी पूछा जी की गल, वो कहन लगे मैं सारी जिंदगी नबी ने पीछे जुमे पढ़े, रसूलुल्लाह ने जुमे का खुतबा खड़े होके दिता है और ये इमाम खतीब कौन है जरा बैठ के दे रहा है। पर मैं जिते बिदत होवे मैं उतो जुमा नहीं पढ़ना जुमा छड़ के बैठ पाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अल्लाह। और कितनी प्यारी हदीस फरमाई आपने, फरमाया कुल उम्मती यदखुलून अलजन्ना इल्ला मन अबा, मेरी सारी दी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उदे जिन्ने जन्नत च जान तो इनकार कर दिता। सहाबा ने पूछा अल्लाह दे नबी कौन है जड़ा जड़ा जन्नत नु नहीं मनदा, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मन आतानी दखल जन्ना वमना सारी फकदावा, जिन्ने मेरी सुन्नत नु मनिया ओ जन्नती है ते जिन्ने मेरी सुन्नत नु नहीं मनिया उन्ने जन्नत विच जान तो इनकार कर दिता उन्हें इनकार कर दिया। इस वास्ते मेरे जी दोस्तों वत्ता कोई अमन ला तजी नफ्स अन नफ्स शैया वला युबर मिनहा शफात वला युकद मिनहा अद वला हुम युनजरून। ना रब की मर्जी तो बगैर किसी की शफात नसीब होएगी ते ना रब की मर्जी तो बगैर कोई नबी दे हाथों हौजे कौसर दा जाम पी सकदा। रब की मर्जी चलनी है लेमन अल मुल्क अल यौम आवाज आएगी मैदान महशर दे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिंबर ऐ जेड़ा मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी दे अंदर मेरे नबी दे घर तो लैके मेरे नबी दी
मस्जिद तक ऐ तेरी जगह मेरे नबी ने फरमाया मां बहन बहन दी मो मिंबर ही रौजा तुम मेरे आदर जन्ना मेरे घर को लह के मेरी मस्जिद तक ऐ जितनी जगह है जन्नत का टुकड़ा है अल्लाह उसी फरमाया क्यामत वाले दिन फरिश्ते अल्लाह दे हुक्म नाल एही जन्नत दा टुकड़ा मेरे नबी दे मिंबर तो लै के मेरे नबी दे घर तक ये सारा टुकड़ा जमीन दा उठा के ते हौजे कौसर दी जगह पर रखा जाए फरमाया मिंबर यानी हौज हौजे कौसर ते मेरा मिंबर होएगा और मैं उठे बैठ के अपने उम्मतियां नु कौसर दे जाम पिलावांगा अल्लाह सानू नसीब अल्लाह ए जे नबियां दा इमाम और उम्मत नू ले जन्नत जावन बूजन बुआ जन्नत दा खड़कावन ते मिठे मिठे बोल सुनावन ते जन्नती उठ के बुआ लावन ते कहंदे कि ने आ गया सैयदुल आनाम ए अल्लाह अल्लाह और उम्मत नू ले जन्नत जावन और जदों कयामत दा दिन आवे खलकत सब उठाई जावे अल्लाह नबी खुद फरमावे उम्मत तेरी बख्शी जावे हो गई नबी दी गाँच तमाम ए जे नबियां दा ईमान और मैसेज और पैगाम होते को सदा किए जेड़े आ गए इस दरबार अल्लाह सुने नबी दे दरबार का मैंने अल्लाह नबी दे नबी दी फरमा बरदारी और नबी दी इताअत करनी तौफीक बख्शे नबी दे दरबार च आन दा मैंने अल्लाह नबी दी एक एक सुन्नत नु लब के उते ते अमल करनी तौफीक बख्शे जेड़े आ गए इस दरबारे रब ने तो ही जानी दारे झूठन जन्नत खुलद चखारे एने ताज अल्लाह दे प्यारे कर दे विच जन्नत दे आराम ए जे नबियां दा ईमान हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला नु मेराज दा सफर है मेरे सोने नबी ने देखिया अगे अगे जन्नत दे अंदर किसे दे जान दी आवाज आ रही है चप्पलां दी आवाज आ रही है जुत्तियां दी आवाज आ रही है कदमां दी आवाज आ रही है फरमाया जिब्रील मेरे अगे अगे जन्नत विच कौन जा रहा है हजरत जिब्रील कहंदे ने सोनिया जन्नत दीआं गलियां विच तुहाडा ही खादिम ते गुलाम बिलाल हबशी आ रहे हैं सुभान अल्लाह अल्लाह दे रसूल अल्लाह तुहाडा गुलाम ते खादिम बिलाल हबशी भोजने रसूल जा रहे हैं फरमाया जदों वापस आए मदीना मुनवरा के अंदर मक्का शरीफ के अंदर ते पूछा बिलाल बड़ा अजीब माजरा है मैनू अल्लाह ने जन्नत दी सैर कराई ते मैं वेख्या मैनू इंज महसूस होया कि जिवें मेरे अगे अगे कोई जा रहा है ते मैं पूछया ते कहन लगे बिलाल हबशी दे कदमां दी आवाज है अज दस मैनू केड़ा अमल करना है मैं आ माजरा वेख्या है मैं सौ तरह वाकया वेख्या है ते हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने सोहणिया लंबियां चौड़ियां गल्लां नहीं मैं जदों अज़ान देण आणा वुज़ू करन ते मैं पहले दो रकतां नफल पढ़ना फिर अल्लाहु अकबर तो अज़ान शुरू कर देना ला इलाहा इल्लल्लाह ते खत्म कर देना जदों अज़ान देना बाद विच मैं तुहाडे ते दुरूद शरीफ पढ़ना ते दुआ पढ़ना अल्लाह दे नबी फरमांदे ने बिलाल तेरा ये अमल जिहड़ा मेरी सुन्नत दे मुताबिक है मेरे अल्लाह नूं इन्ना पसंद है कि अल्लाह ने दुनिया विच ही तेनूं जन्नत दी विखा दित्ता है मेरे जी दोस्तों उन खुश नसीबां नूं कौसर दा जाम मिलना है जिन्हां ने दुनिया दे अंदर रसूल पाक दी गल मन्नी है रसूल पाक दा हुक्म मन्नया है उन्हां नूं हौजे कौसर दा जाम मिलना है जिन्हां ने अज़ान सुनी है और अल्लाह अकबर दी आवाज़ सुन के मस्जिद विच आ जांदे
अजीब गल है, अक्सर बेनमाज उन्हों का यही होंगे कि मेरे कपड़े नहीं ठीक, या कहते भी मैं तुसी चलो मैं लगा, तुसी चलो मैं लगा, या मेरे कपड़े नहीं ठीक, या तुसी चलो मैं लगा, ते या मैं जी होन नहीं ते उंज मैं शुरू कर दिया। भी कदों शुरू करेगा मेरे दोस्तों? नमाज ही वलायत की निशानी है, नमाज ही हौजे कौसर का जाम पीन की निशानी है, नमाज ही अल्लाह के दीदार की अलामत है। अल्लाह पाक सानू नसीब फरमाए। वा आखिर दावा।